उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में जनसमस्या मेला संस्था का चौथा स्थापना दिवस एवं राष्ट्रीय अध्यक्ष हीरो भैया का 35वां जन्मोत्सव बड़ी धूमधाम के साथ मनाया गया। वहीं समाज में अपना बेहतर सहयोग व जनता की समस्याओं को संस्था के माध्यम से सरकार तक पहुंचाने वालों को सम्मानित भी किया गया। बताया जाता है कि राष्ट्रीय अध्यक्ष व प्रमुख राष्ट्रीय महासचिव ने रेप के खिलाफ महाजागरूकता अभियान शुरू किया था। कार्यक्रम के संबोधन के दौरान राष्ट्रीय अध्यक्ष हीरो भैया ने कहा कि समाज में दबे कुचले व शोषित वर्ग के युवा, गरीब, किसान व महिलाओं की समस्याओं को एक संस्था की जनहित याचिका दर्ज करके संस्था के अधिकारियों द्वारा सीधा सरकार तथा मुख्यमंत्री तक पहुंचाने का काम कर रही यह संस्था जन समस्या मेला समिति भारत अब व्यापक रूप ले रही है। उत्तर प्रदेश के विभिन्न जनपदों में यह जन समस्याओं का मेला लगाकर निचले हिस्से के लोगों की बात सरकार के उच्च स्तर तक पहुंचाने का कार्य कर रही संस्था अब उत्तर प्रदेश के बाद भारत के अन्य 7 से 8 राज्यों में बड़ी तेजी के साथ कार्य कर रही है, जिसमें उत्तर प्रदेश, बिहार, दिल्ली, मध्य प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा व महाराष्ट्र राज्य भी शामिल हैं। साथ ही आपको बता दें कि जनसमस्या मेला समिति भारत की ऐसी पहली संस्था है जो युवाओं, गरीबों, किसानों व महिलाओं की दबी हुई जन शिकायतों को लेकर शासन व माननीय मुख्यमंत्री तक पहुंचाए जाने का जनहित कार्य करती है। वहीं इस कार्यक्रम के अवसर पर राष्ट्रीय महासचिव प्रदीप यादव, राष्ट्रीय महासचिव अमित विक्रम सिंह, राष्ट्रीय सचिव शिशिर कुमार, राष्ट्रीय सचिव आसिफ अली, प्रदेश अध्यक्ष राहुल यादव, महिला प्रदेश अध्यक्ष ममता रावल, सदस्य राष्ट्रीय कार्यकारिणी डॉक्टर जितेंद्र राव, प्रदेश सचिव विपिन मौर्य, प्रदेश सचिव अमित राज यादव, प्रदेश सचिव राजेंद्र यादव, हर्ष टंडन, प्रदेश सचिव जसवंत यादव, सुनील सिंह, चेयरमैन वुमेन सेल लक्ष्मी तिवारी, प्रदेश सचिव अपिन कुमार, गुरमीत सिंह सचदेवा, विनीत मल्ल, अवधेश यादव, सदस्य राज्य कार्यकारिणी रौनक पांडे, हर्षल सिंह, शकील खान, जिला अध्यक्ष लखनऊ सत्येंद्र कुमार, अभिषेक बाथम, मोहित कुमार, धर्मेंद्र सैनी, कर्ण सिंह, अशोक सोनी, अजीत यादव एवं अन्य लोग मौजूद रहे। टीवी1 इंडिया न्यूज़, ब्यूरो रिपोर्ट, लखनऊ।